शिवपुरी नाके के समीप रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। क्रेन की चालक की लापरवाही के चलते एक 4 वर्षीय बालक पर क्रेन का हुक सिर पर गिरने से मौत हो गई। कसिनो बार के आड़ में चल रहे हुक्का पार्लर पर शनिवार की रात डीसीपी जोन 5 नीलोलपत ने छापा मारा। कपिलनगर पुलिस को हवा तक नहीं लगी और जरीपटका पुलिस को साथ लेकर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वाड़ी थाना अंतर्गत अमरावती रोड पर पिकअप वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक चालक युवक की मौत हो गई। मृतक सिद्धार्थ सोसाइटी 8वां माइल निवासी पवन अर्जुन नागो से बताया गया। समाज सेवक शंकर बाबा पापड़कर की मानस कन्या वर्षा और मानस पुत्र समीर की शादी की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वर्षा के पिता के रूप में कन्यादान कर निभाई। समीर के पिता के रूप में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे व उनकी पत्नी ज्योत्सना ठाकरे ने सारे रस्म पूरे किए। राज्य में मीठे पानी के तालाबों में मछली उत्पादन के लिए मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था के साथ करार किया जाता है। ऐसे तालाबों से मछली की चोरी ना हो, इसके लिए अब गश्ती नौका तैनात की गई है। राज्य में पहले गश्ती नौका का उद्घाटन पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार ने फुटाला तालाब में किया। हिंदू महिलाओं के बारे में अश्लील व घृणित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अरबाज खान के खिलाफ राका ने सकरदरा चौक में आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं में अरबाज जैसे प्रवृत्ति वालों के खिलाफ आक्रोश देखा गया। सन्नेकोट जिले में 8 लोग कोरोना की बलि चढ़ गए। मरने वालों में 3 सिटी के, 2 ग्रामीण भाग के और 3 जिले के बाहर के हैं। चलती कार रोककर सोने के आभूषण लूटने वाले 5 अपराधियों को नागपुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की सभी सामग्री जब्त की गई है। आरोपियों में रमेश उर्फ पुट्टी, रामकिशन रविदास, वार्ड क्रमांक 3 चनकापुर खापरखेड़ा, शहजाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिल्लेवाड़ा, टीपू उर्फ शकीर अली वल्द, हसमत अली इद्रिसी वार्ड क्रमांक 3 बलनी, आशीष विजय शास्त्री दहेगा, निखिल अशोक पासवान दहेगा खापरखेड़ा शामिल है। सिटी में अब कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो गई है। संडे को अचानक पारा काफी नीचे आ गया और इस सीजन का सर्वाधिक ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग ने संडे को सिटी का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला के खिलाफ हिंगना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला नलिनी नामदेव रामटे की बताई गई। पुलिस ने फुटाला रोड पांड्रा बोड़ी निवासी गौतम नथुपराते की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।